यार यार अर्षदीप की बॉल रिवर्स स्विंग कैसे हो रही है? ये इंडिया वालों ने जरूर बॉल टेम्परिंग की है, इसके चक्कर में रिवर्स स्विंग हुई, अदरवाइज रिवर्स स्विंग कहां होती है? रिवर्स स्विंग तो हमने बनाई थी, 14 ओवर में कैसे रिवर्स स्विंग हो सकता है? यही बात इंतजाम भाई ने कही थी और अब मोहम्मद शमी ने उन्हें रोस्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि भाई साहब फर्जीवाड़ा मत कीजिए यार, हो गया भाई, कुछ भी आप लोग बोल देते हो यार। मोहम्मद शमी ने इंजमाम उल हक की क्लास लगाई और बॉल टेम्परिंग को लेकर बोलती बंद कर दी। इंजमाम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मिडिल ऑर्डर में दुनिया के शायद सबसे महान बल्लेबाज हैं, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तब उन्होंने कहा कि यार इंडियन बॉलर्स जो है वो बॉल को रिवर्स इसलिए कर पा रहे हैं, कुछ खेल हो सकता है, अंपायर को इस पर ध्यान देना चाहिए। उनके इन आरोपों पर टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने जवाब दिया, कहा कि इंजमाम जो है वो ऐसे ही बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं लोग। मोहम्मद शमी ने अपने अंदाज में जवाब दिया। मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक के भारतीय बॉल पर टेम्परिंग करने के आरोपों को करारा जवाब दिया। दरअसल इंजमाम भाई ने कहा था कि अर्षदीप सिंह जब 15 ओवर फेंक रहे थे तब बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी और ये बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी कैसे रिवर्स स्विंग हो सकती है? 12वें-13वें ओवर में रिवर्स स्विंग के लिए तैयार थी, अंपायरों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। इसके साथ ही शमी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों के उन आरोपों को भी बकवास बताया जिसमें कहा गया कि भारत की बॉलिंग में चिप लगी थी। शमी कहते हैं यार तुम्हारे बॉलर स्विंग करें तो स्विंग है, उनकी रिवर्स स्विंग काबिलियत, और हम करें तो बॉल टेम्परिंग। भाई साहब क्या बकवास है, क्यों चिपअप की बात कर रहे हो, ये कार्टून गिरी कहीं और होनी चाहिए। शमी ने इंजमाम को जवाब देते हुए कहा कि फालतू की बातें कर जनता को बेवकूफ बनाना बंद किया जाए। ये कहा कि जो उनके खिलाफ परफॉर्म करेगी वो टीम वहां टारगेट होगी। मान लो मैंने गेंद में डिवाइस लगा भी दिया, बटन उल्टा दब गया, अब मैं इन स्विंग डाल रहा हूं, आउटस्विंग होगी तो चौका चला गया, तो ये कार्टून गिरी कहीं और चल सकती है। पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं ये, जो नहीं होनी चाहिए। उन्हें कहना था कि यार पाकिस्तान कभी खुश नहीं होता है, पाकिस्तान टीम कभी भी खुश नहीं हो सकती इंडिया से, चाहे जो कर लो आप, पाकिस्तान हमेशा यही सब नाटक करता रहेगा। कोई कहता है अलग गेंद दे दी गई है, कोई कहता है जिस गेंद से गेंदबाजी करते उसमें चिप है, वो कहते हैं मैंने पहले भी कहा था भाई कि मुझे कभी भविष्य में मौका मिला या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला तो मैं बॉल ले जाऊंगा, एक पंचायत बुलाऊंगा, बैठाऊंगा और कहूंगा भैया ये गेंद पड़ी है, इनमें से छांट लो कौन सी गेंद काटनी है, जो गेंद काटनी है वो काट दूंगा और मैं देखूंगा कि उसमें कौन सी चिप लगी है। ऐसी बातें नहीं शोभा देती। हालांकि पाकिस्तान से भी इसको लेकर काफी रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये खबर सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैल है, काफी लोग इसे सुन रहे हैं, काफी लोग इसको लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। पाकिस्तान ने एक्चुअली दोनों वर्ल्ड कप में ये दो बातें कही थी जो बेसिर पैर की थी। पहली बार जब ये बात कही गई थी जिसमें कहा गया कि बॉल जो है वो चिप लगी हुई है, तब तो हालांकि वसीम अकरम ने भी कहा था कि भाई कौन सा माल फूंकते हैं, पता होना चाहिए हमें भी किस माल को फूंक कर ये सारा हरकतें हो रही है। दोबारा जब ये सारी बातें हुई तब शमी ने इसको क्लियर कर दिया कि भाई साहब काबिलियत हम में भी है, वेस्ट इंडीज की पिच काबिलियत, वहां पर हार्ड पिच थी, गर्मी थी, इस वजह से बॉल हुई थी। हालांकि रोहित ने भी इसको लेकर ऐसा कहा था कि दिमाग खुला रखना चाहिए, तब भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इंजमाम के बयान को लेकर शमी का जो बयान था फिलहाल वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जबरदस्त तरीके से इसको लेकर बातें हो रही है। हमें लगा हम आपसे पूछें कि शमी जो कह रहे हैं इंजमाम भाई को लेकर, क्या इसके बाद पाकिस्तान से ऐसी बातें नहीं होंगी या ऐसी बातें और बढ़ेंगी? मतलब सवाल तो उठता है ना कि भाई साहब क्या होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है। हालांकि शमी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी चाहे जहां हो, पाकिस्तान में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, जहां भी हो, वहां पर मैं गेंद ले जाऊंगा, काटने की बात कहूंगा, ताकि ये सब बातें खत्म हो जाए। इस तरह की वाहियात बातें शोभा नहीं देती। समय लगा हम आपसे पूछें, व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो।